हाई एवरी वन, दिस इज रूपी त्रिवेदी फ्रॉम LCMS जावा. वेलकम टू द अकाउंट क्लास. ओके, तो इसके पहले का जो वीडियो था पार्टनरशिप का, हमारा चैप्टर सेकेंड चल रहा है पार्टनरशिप, उसमें हमने पार्टनरशिप डीड तक कम्प्लीट कर लिया था. इसके आगे का वीडियो अभी हम स्टार्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट वी विल टेक राइट्स ऑफ पार्टनर्स. तो एक पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनके राइट्स क्या क्या होते हैं. ओके, लेट्स सी. देयर आर फाइव मेन राइट्स ऑफ पार्टनर्स. ओके, इन पार्टनरशिप फर्म. तो देखते हैं वो फाइव राइट्स कौन कौन से हो गए. राइट्स ऑफ पार्टनर. ओके, फर्स्ट राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. ओके, मीन्स जब पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस आप करोगे, ओके, जो पार्टनरशिप फर्म होगी उसमें जो भी बिजनेस किया जाएगा, उस बिजनेस से रिलेटेड हर एक चीज़ में आप जो भी पार्टनर है उस पार्टनर से कंसल्ट किया जाएगा, उस पार्टनर की राय ली जाएगी, सलाह मशवरा किया जाएगा. ओके, तो पार्टनर का एक राइट ये होता है कि बिजनेस के जितने भी अफेयर्स है उसके बारे में जब कभी भी कंसल्ट किया जाएगा तो उस कंसल्ट में उसे पार्टिसिपेट करने का राइट रहेगा. ओके, बिना उससे पूछे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा. सेकंड, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट. तो जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने बिजनेस की जो अकाउंट्स की बुक्स होते हैं उन्हें भी इंस्पेक्ट करने का राइट रखते हैं. ओके, जैसे मान लो कि कोई पार्टनर है, वो पार्टनर देखना चाहता है कि हमारा जो अकाउंटेंट है वो हमारे बिजनेस की जो बुक्स है वो किस तरीके से मेंटेन कर रहा है. तो वो पार्टनर, कोई भी पार्टनर अकाउंटेंट के पास जाकर बोल सकता है कि हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने अकाउंट बनाया है, किस तरीके से बैलेंस शीट बनाई है, सही बनाई है या नहीं बनाई है. तो ये जो चेकिंग का राइट होता है ये भी पार्टनर को रहता है. फिर थर्ड, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट. ओके, मैनेजमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को वॉच करने में, उन सारी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे उन सारे डिसीजन में एक तरीके से पार्टनर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा. पार्टनर के इन्वॉल्व हुए बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा. तो एक तरीके से पार्टनर को मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने का भी राइट होता है. फिर राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस. अब बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, तो जिस तरीके से पार्टनर प्रॉफिट लेने में, प्रॉफिट के शेयर में एक तरीके से अपना राइट रखता है, वैसे ही अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उसे बेयर करने का भी, उसे बेयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी पार्टनर की होती है. तो एक तरीके से प्रॉफिट और लॉस सभी में शेयर लेने का पार्टनर का राइट होता है. फिर फिफ्थ, राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. तो पार्टनर को, नए पार्टनर को एडमिशन देना है या नहीं देना है ये डिसाइड करने का भी राइट पार्टनर के पास होता है. अब यहाँ पर लिखा है नॉट टू अलाउ एडमिशन, मतलब नए पार्टनर को एडमिशन नहीं देने का राइट उसे होता है. तो अब नए पार्टनर को एडमिशन देने का और नहीं देने का, ये दो तरीके के राइट पार्टनर के पास होते हैं. वो कैसे होते हैं? ओके, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि थ्री पार्टनर्स है, उनका एक फ्रेंड और है जो चाहता है कि मैं आपके बिजनेस फर्म को ज्वाइन करूँ, मैं भी आपकी पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर इंटर होना चाहता हूँ. तो आपके जो तीनों पार्टनर है, आप जो तीनों पार्टनर है ABC, आप तीनों पार्टनर अगर आपके उस फ्रेंड को अपनी पार्टनरशिप में इंटर करने देते हो, तीनों पार्टनर सेटिस्फाई है, तो वो पार्टनर आपके पार्टनरशिप में, मतलब वो जो पर्सन है वो आपके बिजनेस में, आपके पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर हो सकता है. ठीक है, लेकिन तब जब आपके तीनों पार्टनर, आप तीनों पार्टनर एग्री करते हो. ओके, अब इसी के अपोजिट क्या हो जाता है कि मान लो कि 10 पार्टनर्स हैं, 10 पार्टनर्स में से उस पर्सन को एंट्री देने के लिए 9 पार्टनर तो एग्री है, लेकिन जो एक पार्टनर है वो चाहता है कि नहीं, वो पर्सन हमारे बिजनेस में नहीं आना चाहिए, मैं उस पर्सन को नहीं आने देना चाहता हूँ, मैं उसे एडमिशन नहीं दूंगा. तो अब आपको क्या लगेगा कि जो मेजोरिटी है वो किसके साथ है? 9 पार्टनर जो है उनकी मेजोरिटी क्या बोलती है कि उस पार्टनर को इंटर होने देना चाहिए, लेकिन जो एक पार्टनर है वो क्या बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो पर्सन हमारी पार्टनरशिप में एंट्री ले. तो वो जो एक पर्सन है, एक जिसने मना बोल दिया है, वो जो एक पार्टनर है जिसने मना बोल दिया है कि वो पर्सन हमारी पार्टनरशिप में नहीं आएगा, तो उस डिसीजन को भी एक तरीके से वैल्यू दी जाएगी. मतलब सिर्फ उस एक पर्सन की वजह से, सिर्फ उस एक पार्टनर की वजह से वो पर्सन आपके पार्टनरशिप में एडमिट नहीं हो सकता है. ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विथ कंसेंट ऑफ ऑल अदर्स. मतलब जब तक वो 10 पार्टनर सारे के सारे एग्री नहीं करेंगे तब तक वो नया पर्सन आपके पार्टनरशिप में एंट्री नहीं ले सकता है. अगर एक पार्टनर को भी उसके आने से प्रॉब्लम है तो वो पर्सन आपकी पार्टनरशिप में एंट्री नहीं ले सकता है. ठीक है, तो एक पार्टनर भी उस चीज़ को होने से रोक सकता. तो देर आर द राइट्स ऑफ पार्टनर. ओके, नेक्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म.
अब यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म मतलब जो बिजनेस हो गया पार्टनर्स का, वो और पार्टनर्स उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं। ये टर्म्स आपने ऑलरेडी सुन रखे हैं, 11th क्लास में आपने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो वो क्या चीज़ होती है वो हम देखेंगे पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको जैसे पता ही है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ऑनर है वो दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट सेपरेट होते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी जो पार्टनरशिप फर्म है उसे आपका बिजनेस कहा जाएगा, ठीक है। तो जो पार्टनरशिप फर्म है और जो पार्टनर है वो भी दोनों सेपरेट सेपरेट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, हम पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं फर्स्ट जो टर्म आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रोल हो जाएगा, तो एक तरीके से पार्टनर है और ये पार्टनरशिप फर्म है, ओके। अब जब पार्टनर को बिजनेस स्टार्ट करना है तो पार्टनर्स क्या करेंगे, कैपिटल लेकर आएंगे, और ये कैपिटल किसकी हो जाएगी, बिजनेस की हो जाएगी। तो पार्टनर कैपिटल लेकर आए हैं लेकिन ये कैपिटल अब हो जाएगी किसकी, पार्टनरशिप फर्म की। तो पार्टनरशिप फर्म ने कैपिटल ले ली लेकिन पार्टनर क्या बोलेगा कि नहीं आपने कैपिटल तो ले ली लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तो फिर जो बिजनेस है, जो पार्टनरशिप फर्म है, वो क्या करती है, पार्टनर को बोलती है कि ठीक है तुमने मुझे कैपिटल दी है तो अब तुम इंटरेस्ट ले लो। तो पार्टनर्स पार्टनरशिप जो फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म कैपिटल के बिहाफ में पार्टनर को क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब आप मुझे ये बताओ कि पार्टनरशिप फर्म जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे हुआ है ये उसके लिए रेवेन्यू है या एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस तो आपको पता है जो पेमेंट करते हैं वो एक्सपेंसेस हो गया, और रेवेन्यू क्या हो गया कि जो इनकम बिजनेस में हुई है वो उसकी इनकम हो गई, वो उसकी रेवेन्यू हो गई। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ रहा है किसको, पार्टनर को, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को उसे पे करना पड़ेगा। सेकंड हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो गया कि पार्टनर ने जो कैपिटल पार्टनरशिप फर्म को दी है, अपने बिजनेस को दी है, तो पार्टनरशिप फर्म में से हो सकता है कि कभी उसे कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ जाए, तो पार्टनरशिप फर्म को जो उसने कैपिटल दी थी उसमें से कुछ अमाउंट वो विड्रॉ कर ले, ठीक है। तो अब यहाँ पर बिजनेस क्या बोलेगा कि नहीं आपने मेरा पैसा आप अपने यूज़ के लिए निकाल रहे हो, पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हो, तो इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। तो पार्टनर बोलता है कि ठीक है क्या पे करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म है वो कहती है कि आप मेरा पैसा, बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, तो इसके बदले में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी आपकी कैपिटल ली थी तो मैंने भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया था। अब ये कैपिटल मेरी हो गई है तो अब इस कैपिटल में से आप कुछ अमाउंट ले रहे हो तो आपको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो कौन सा हो जाता है, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग करने पे जो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं पार्टनरशिप फर्म को उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप फर्म रिसीव करेगी, ठीक है। तो रिसीव कर रही है मतलब ये क्या हो जाएगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसकी इनकम हो जाएगी, मीन्स उसके लिए रेवेन्यू हो जाएगा, ओके। थर्ड चीज़ क्या हो जाएगी, सैलरी रेम्यूनरेशन और कमीशन। तो कभी कभी पार्टनर्स के बीच में ये भी होता है कि सारे पार्टनर्स इक्वली काम करते हैं लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि किसी एक पार्टनर को लगता है कि नहीं ये चीज़ मैं अच्छे से देख सकता हूँ, तो वो पार्टनर क्या बोलता है कि नहीं मैं तो बाकी पार्टनर से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट के अलावा कुछ सैलरी या कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलनी चाहिए। तो पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस है वो बोलता है कि ठीक है आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो आपको हम सैलरी दे देंगे, कमीशन दे देंगे या रेम्यूनरेशन दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो एज अ सैलरी या रेम्यूनरेशन या कमीशन जो पार्टनर को पे करेगी एक्स्ट्रा अमाउंट, तो वो भी क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है तो वो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट लोन और एडवांस। कभी कभी बिजनेस में ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि बिजनेस को और अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, पार्टनरशिप फर्म को और अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक से तो ऑलरेडी लोन ले रखा है, अब क्या करें, किससे अमाउंट लें, किससे लोन लें। तो अगर उसमें से एक पार्टनर है वो पार्टनर बोलता है, ABC तीन पार्टनर है, उसमें से सी बोलता है कि मेरे पास इतना अमाउंट है कि मैं बिज़नेस को लोन दे सकता हूँ लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो इस कंडीशन में जो बिज़नेस है वो बिज़नेस का कहना ये होता है कि ठीक है आप हमारी अभी मदद कर दो, आप अमाउंट हमें एज अ लोन दे दो और बदले में हम आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देते रहेंगे। तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म है, जो बिज़नेस है, वो लोन का अमाउंट रिसीव कर लेगी लेकिन बदले में वो उस पार्टनर को जिसने बिज़नेस को लोन दिया है उसको क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो लोन लिया था, लोन के लिए बिज़नेस को इंटरेस्ट पे करना है, तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा वो आपका एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हम ये अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या अमाउंट बिजनेस रिसीव कर रहा है और कौन सा अमाउंट बिजनेस पे कर रहा है।
ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों देखना है, तो यहाँ पर आगे आप पार्टनर्स का एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करने वाले हो, जहाँ पर आपको ये देखना है कि पार्टनर को कौन सी चीज़ आप पे कर रहे हो, कौन सी चीज़ आप रिसीव कर रहे हो पार्टनर से। तो देखोगे तो आप पार्टनर देखोगे तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पार्टनर को आप पे करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को आपको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप पार्टनर से आप रिसीव करोगे, मतलब एज अ बिजनेस हम पार्टनर से रिसीव करेंगे। सैलरी बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर को पे करेगा। और लोन और एडवांस, तो बिजनेस लोन और एडवांस लेकर इस पर जो इंटरेस्ट होगा वो पार्टनर को पे करेगा, अगर पार्टनर से लोन लिया है तो। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसे वापस पोज करके वापस से रिवाइज करके आप देख सकते हो, रिवाइंड करके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, ओके, आप पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो प्रॉफिट भी होगा, और प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है उसके बारे में आपका ये पॉइंट है, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, तो ट्रांजेक्शन्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, एंड एज इन द केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न अ पार्टनरशिप फर्म विल ऑल्सो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ओके, एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। आपने क्लास 11th में देखा होगा, वहाँ पर आपने जो चीज़ पढ़ी थी वो क्या थी, सोल ट्रेडरशिप। अब सोल ट्रेडरशिप में क्या होता था कि वो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करता था और बैलेंस शीट प्रिपेयर करता था, ठीक है। उसी की तरह पार्टनरशिप फॉर्म में भी ये तीनों चीज़ें प्रिपेयर की जाएगी, लेकिन सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप में क्या एक माइनर सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि सोल ट्रेडरशिप में जो प्रॉफिट होता था वो पूरा के पूरा प्रॉफिट उस अकेले पर्सन का होता था, क्योंकि उसमें तो अकेला पर्सन ही बिजनेस स्टार्ट करता था। लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका होगा, तो वो प्रॉफिट का अमाउंट उन सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पार्टनर्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है, यहाँ पर एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन होगा पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वो कौन सा अकाउंट मेंटेन होगा, वो होगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे, ओके। तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिस तरीके से सोल ट्रेडरशिप में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती थी, वो चीज़ यहाँ पर भी बनेगी। और बस इसके साथ ही एक जो चीज़ नहीं होगी वो क्या होगी, यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओके। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ऑफ अ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप फॉर्म इज दैट द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है, जो कि सोल ट्रेडरशिप में नहीं होता था। तो यहाँ पर अभी हम सीखेंगे कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, ओके। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तरीके से नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल मींस क्या हो गया कि जिसमें जितने भी लॉसेस होते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं डेबिट, और जो भी हमारे गेन होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते थे तो डेबिट साइड में हम सारे लॉसेस की एंट्री करते थे, एक्सपेंसेस की एंट्री करते थे, और क्रेडिट साइड में जितनी भी हमारी इनकम्स है उन सब की एंट्री करते थे। वैसे ही पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी सेम चीज़ चलेगी कि जितने भी लॉसेस है उनकी एंट्री आप डेबिट साइड में करोगे, और जितने भी आपके प्रॉफिट्स हैं, ओके, जो गेन्स हैं उनको आप किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे, ओके। तो चलिए हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड और एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ओके। तो आपने जब बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो आपने एग्रीमेंट बनाया था उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपके बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो जो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है इसके एब्सेंस में जो रूल्स फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो क्या रूल है, जब आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो 1932 पार्टनरशिप एक्ट के एब्सेंस में क्या रूल अप्लाई करोगे आप, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इक्वली, भले ही किसी पार्टनर ने कितनी भी कैपिटल क्यों ना लगाई हो, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन उनमें इक्वली होगा अगर इस सेंस में कोई पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो यहाँ पर
जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बनाया जाता है. ओके, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, सेम एंट्री सेम तरीके से आपको वो अकाउंट मेंटेन करना है. बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे आप क्या नाम मेंशन कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, और इस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स को जो चीज़ आप पे कर रहे हो और पार्टनर्स से जो चीज़ आप रिसीव कर रहे हो सिर्फ उसी की एंट्री होती है. इट इज़ नॉमिनल अकाउंट, मैंने आपको बता दिया ये नॉमिनल अकाउंट है. क्यों नॉमिनल अकाउंट है ये भी बता दिया. इट रिकॉर्ड्स इंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इसमें जो जो इंट्रीज होती है सिर्फ सिलेक्टेड इंट्री होती है, वो एंट्री क्या क्या होती है, एक हो जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिर देन सैलरी टू द पार्टनर, पार्टनर को जो आप सैलरी पे करोगे, एंड डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स. और पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे बस उसी की एंट्री इसमें होती है. ओके, इसका फॉर्मेट अब हम देख लेते हैं तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना रहे हो. सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे, माइंड में आप सेट कर लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने जैसे बनाया था सेम उसी तरीके से यहाँ पर ही अकाउंट आपको बनाना है. सिर्फ ये देखना है कि कौन सी चीज़ पार्टनर से आपको रिसीव हो रही है वो क्रेडिट साइड जाएगी, जो चीज़ आप पार्टनर को पे कर रहे हो एज अ बिजनेस, हम पार्टनर को जो चीज़ पे कर रहे हैं वो चीज़ आ जाएगी आपके डेबिट में. तो हेडिंग आपने डाल दी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन फॉर द ईयर एंडिंग ऑन आप किस डेट को बना रहे हो वो डेट आपको यहाँ मेंशन करनी है. देर आर फोर कॉलम्स, पर्टिकुलर्स रुपीस अमाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस. ओके, फोर कॉलम्स. अब इसमें डेबिट साइड में सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस अकाउंट को जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आप किस साइड से स्टार्ट करोगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सबके माइंड में है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया था. ओके, वहाँ पे हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में जो बैलेंस आता है वो आपका नेट प्रॉफिट होता था, क्रेडिट साइड में आपका जो बैलेंस आता था वो क्या हो जाता था, नेट लॉस. ओके, तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये नेट लॉस है, इसको जब आप किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे तो उसका नेचर अपोजिट हो जाता था. ओके, तो कैसे होता था वो, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपका डिफरेंस आता था, अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आता था तो वो डिफरेंस आप लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद आप टोटल लगाते थे, टोटल लगाने के बाद आप क्या करते थे, उसी के जस्ट बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करते थे. तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने के पहले आप क्या करते थे, जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकला है डेबिट साइड में निकला है उसको आप क्रेडिट साइड में शो कर देते थे और उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना स्टार्ट करते थे. वैसे यहाँ पर भी क्या हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जो टोटल प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट आपका टोटल प्रॉफिट है, वो पार्टनर के बीच में अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो उस प्रॉफिट को हम इस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो वहाँ पर नेट प्रॉफिट आपका डेबिट साइड में आया होगा, तो इस अकाउंट में आप उस प्रॉफिट को पहले ट्रांसफर करोगे तो वो डेबिट से किधर आ जाएगा, क्रेडिट में. तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस अकाउंट को स्टार्ट करने के लिए प्रॉफिट का बैलेंस आप यहाँ पर ट्रांसफर करोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिखोगे और ब्रैकेट में आप शो कर दोगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट. पी एंड एल अकाउंट से ये बैलेंस आपने ट्रांसफर किया है और वो प्रॉफिट का जो टोटल अमाउंट है आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे. अब आप देखोगे कि पार्टनर्स को आपने कौन सी चीज़ पे की है या पार्टनर से आपने कौन सी चीज़ रिसीव की है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की जो कैपिटल थी वो बिजनेस ने ले ली और बिजनेस अब क्या करेगा, उसके बदले में उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा. तो ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड में जाएंगे. तो आपने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सपोज़ यहाँ पर टू पार्टनर्स है ए और बी, तो आप ए और बी को पे कर दोगे. ओके, और अगर ज़्यादा पार्टनर है तो ज़्यादा सबका नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है. ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल के लिए दो ही पार्टनर हमने लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को पे करना रहता है पार्टनर्स को, इसलिए आपने डेबिट साइड में लिख दिया. फिर पार्टनर सैलरी, पार्टनर ने अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है तो उसके लिए उसको सैलरी रेम्यूनरेशन पे होगा, तो वो भी बिजनेस क्या करेगी, पार्टनर को पे करेगी. पे करने की वजह से वो डेबिट में यहाँ पर आप शो कर दोगे पार्टनर के नाम से. फिर उसके बाद क्या हो जाता है, एक चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, पार्टनर से बिजनेस रिसीव करता है, तो बिजनेस को रिसीव होने की वजह से ये उसकी इनकम हो गई. इनकम कहाँ लिखोगे आप, क्रेडिट साइड में आपने लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. जितने भी पार्टनर्स ने ड्रॉइंग किया है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस को देंगे, तो बिजनेस रिसीव करेगा, इसलिए इसको क्रेडिट साइड लिख दिया. अब यहाँ पर हमने कैपिटल देख ली, सैलरी देख ली, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देख लिया, प्रॉफिट देख लिया. अब ये क्या चीज़ हो गई, रिजर्व. तो बिजनेस क्या करता है कि प्रॉफिट का जो भी टोटल पार्ट होता है उस टोटल प्रॉफिट में से पार्टनर्स को के साथ तो प्रॉफिट वो शेयर करता ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या करता है वो कि उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट एक अलग से सेपरेट निकाल के रख देता है. जैसे आपने भी देखा होगा, आपने कभी आपके पास छोटे छोटे पिगी बैंक होंगे. ओके, आपको जो भी अमाउंट मिलता था आपके पेरेंट्स से आप उसको सेव करने के लिए आपके पिगी बैंक में रख देते थे और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती थी आप उसमें से यूज़ करते थे. वैसे ही बिजनेस में भी क्या होता है, एक अलग से एक छोटा सा पिगी बैंक होता है जिसे क्या कहा जाता है, रिजर्व. तो प्रॉफिट का जो भी अमाउंट होता है उसका एक सिलेक्टेड अमाउंट बिजनेस क्या करता है, एज ए रिजर्व ट्रांसफ़र कर देता है, रिजर्व में इकट्ठा करता जाता है, और जब कभी भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम
उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जब अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो बिज़नेस क्या करता है, इस रिजर्व में से उस अमाउंट को निकाल कर यूज़ करता है, ठीक है। तो प्रॉफिट में से एक अमाउंट रिजर्व के लिए भी रखा जाता है, तो अब बिज़नेस अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट रिजर्व को दे रहा है, रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, प्रॉफिट बिज़नेस का कम हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से एक्सपेंसेस ही मानोगे आप, प्रॉफिट कम हो गया बिज़नेस का क्योंकि उसने रिजर्व को दे दिया, रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये भी एक्सपेंसेस आप मानोगे। और ये किधर आप लिख दोगे, डेबिट साइड में आप उसकी एंट्री करोगे रिजर्व के नाम से। फिर आप क्या करोगे, इधर का टोटल लगाओगे, इधर का टोटल लगाओगे, टोटल लगाने के बाद जो भी बैलेंस है वो बैलेंस आपका आया, और उस बैलेंस को आप क्या कर दोगे, यहाँ पर शो कर दोगे, और उनका जो भी रेशो है उस रेशो में, पार्टनर्स के रेशो में आप उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ओके। अब कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट में हमें आप शो मत करो, आप हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री बताओ कि जर्नल एंट्री क्या होती है, या प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस में आप कौन कौन सी जर्नल एंट्री करोगे, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप जर्नल एंट्री किस तरीके से करोगे वो हम देखते हैं। इसका एक सिंपल तरीका पहले मैं आपको बताऊँ, सिंपल वैसे बाद में बताना चाहिए, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। आप यहाँ से जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करोगे तो आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, सेकंड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। फिर आप इधर की एंट्री करोगे तो ये चीज़ पहले आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरीके से आप ये सारे जो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं इन ट्रांजेक्शन की बिना मिस्टेक किए जर्नल एंट्री कर सकते हो, या आप टैली कर सकते हो कि आपने जर्नल एंट्री करते टाइम डेबिट को क्रेडिट तो नहीं कर दिया, क्रेडिट को डेबिट तो नहीं कर दिया, एक तरीके से टैली हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ये इस तरीके से चलता है, पहले आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करोगे और ये सारी चीज़ें क्रेडिट हो जाएगी, फिर जब आप इधर आओगे तो ये चीज़ें आपकी डेबिट होगी और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, और ये पूरा सर्कल जब कंप्लीट हो जाएगा आपकी सारी जर्नल एंट्री कवर हो जाएगी। अब हम डिटेल में देखते हैं कि जर्नल एंट्री किस तरीके से करोगे आप। द जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज फॉलोज, ओके। तो कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती है, फर्स्ट हम देखते हैं, फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। जैसे हमने अभी देखा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ओके। और ये चीज़ भी हमने देखी है कि ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जब किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, कोई भी बैलेंस जब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो उसका नेचर चेंज हो जाता है, वो डेबिट था तो क्रेडिट हो जाएगा और क्रेडिट होगा तो डेबिट हो जाएगा, सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी प्रॉफिट ट्रांसफर करने के सेंस में होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने क्या करा, प्रॉफिट को कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। हमने देखा था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या नेचर होता है, प्रॉफिट, आप बस इतना सोचो, देखो आप मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट, और जितने भी प्रॉफिट होते हैं और जो गेन होते हैं उनका नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है, लेकिन इस प्रॉफिट को जब हम किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये नेचर इसका क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हमने यहाँ पर इस प्रॉफिट को हमने क्या करा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, इसलिए इसका नेचर डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा प्रॉफिट था उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका क्रेडिट से हो गया डेबिट, और दूसरा अकाउंट आप किस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया, ठीक है। नरेशन आप लिख दोगे बीइंग द प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ओके। सेकेंड, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के सेंस में आपकी दो जर्नल एंट्री होगी, पहली जर्नल एंट्री जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करोगे पार्टनर्स को, और दूसरी जर्नल एंट्री जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने अलाउ कर दिया है उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो जर्नल एंट्री होगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप अलाउ करोगे पार्टनर को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना पड़ेगा, बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करेगा, पे करेगा मतलब ये क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स यहाँ पर कैपिटल क्यों लिखा है, करंट क्यों लिखा है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप बस इतना ही ध्यान रखो कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस होता है, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया और पार्टनर्स को वो मिल रहा है, ठीक है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट
इंक्रीज़ हो जाएगा, जब उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कैपिटल जो होती है वो क्रेडिट नेचर की होती है और इंटरेस्ट मिलने से वो कैपिटल और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, नरेशन आप लिख दोगे बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ, जो भी परसेंट से आप अलाउ करोगे। सेकंड, अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करोगे। तो देखें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने डेबिट किया, तो जब आप उसको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो वो डेबिट से आ जाए, क्या हो जाएगा, डेबिट से वो क्रेडिट हो जाएगा। सी हियर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, नरेशन आप लिख दोगे बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सेंस में आपको दो एंट्री करनी है, एक जब आप अलाउ करोगे, दूसरा जब आप उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। फिर थर्ड, फॉर अलाउइंग सैलरी, जब आप सैलरी या कमीशन पार्टनर को अलाउ करोगे, यहाँ पर भी आपको दो एंट्री करना है। फर्स्ट, जब आप सैलरी या कमीशन अलाउ करोगे पार्टनर को, और सेकंड, जब आप उस सैलरी या कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो पहले आप अलाउ करोगे, तो सैलरी बिजनेस पे करेगा पार्टनर को, तो क्या हो जाएगा, सैलरी आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, या कमीशन है तो कमीशन अकाउंट डेबिट, रेम्यूनरेशन है तो रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी मिलने से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट किया आपने उसको, नरेशन आप लिख दोगे बिंग सैलरी कमीशन पेबल टू अ पार्टनर, ओके। सेकंड, अब आप क्या करोगे, इस सैलरी को पार्टनर्स अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे। तो ये जो डेबिट है, डेबिट से अब इसका नेचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर आ गया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट, ओके। नरेशन आप शो कर दोगे बिंग द सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर एंड डेबिटेड टू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सेंस में भी यहाँ पर सेम आपकी एंट्रीज हो जाएगी। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करोगे और उसके बाद उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को रिसीव होगा, रिसीव होगा मतलब क्या हो गया, ये प्रॉफिट, प्रॉफिट को आप क्या करते हो, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने क्रेडिट कर दिया, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे मिला हमको, पार्टनर से। तो पार्टनर्स अपने कैपिटल में से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पे करेंगे, तो कैपिटल उनकी कम हो जाएगी, तो क्रेडिट से उनका नेचर क्या हो गया, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव कर रहे हैं, प्रॉफिट है, क्रेडिट कर दिया हमने। फिर इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर दिया, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नरेशन आप लिख दोगे। फिर नेक्स्ट, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, अब रिजर्व प्रॉफिट का कुछ पार्ट बिजनेस क्या करेगा, रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा। अब यहाँ पर किसी को अलाउ तो कर ही नहीं रहे, डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, रिजर्व बना रहे हैं, तो सिर्फ एक ही एंट्री हो जाएगी, रिजर्व में हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। रिजर्व हमारी क्या होती है, लायबिलिटी हो जाएगी। तो अभी तक रिजर्व में कुछ भी नहीं था, क्रेडिट नेचर होता है रिजर्व का, लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो रिजर्व में अभी तक कुछ भी नहीं था, लेकिन अब हमारे प्रॉफिट, प्रॉफिट का नेचर भी क्या होता है, क्रेडिट। रिजर्व का नेचर भी क्रेडिट है, प्रॉफिट का नेचर भी क्रेडिट होता है, लेकिन इस प्रॉफिट में से जब हम कुछ अमाउंट निकालकर रिजर्व में डाल देंगे तो रिजर्व तो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो रिजर्व तो क्या रहेगा, क्रेडिट का क्रेडिट ही रहेगा। लेकिन प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है, लेकिन उसमें से आप प्रॉफिट निकाल रहे हो तो प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तो वो नेगेटिव अपोजिट नेचर शो करेगा, तो वो क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करा कि रिजर्व अगर हम अलाउ करेंगे तो रिजर्व आपका क्रेडिट हो जाएगा, और प्रॉफिट आपका कम हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। फिर फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब आपने लास्ट में क्या किया होगा, दोनों का टोटल लगाया होगा। टोटल लगाने के बाद आपका जो डिफरेंस है वो आपका अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को आप क्या करोगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्यों करा है, प्रॉफिट था आपके पास, अब ये प्रॉफिट आप क्या करोगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो प्रॉफिट तो आपके पास बचेगा ही नहीं, बिजनेस के पास सारा प्रॉफिट उसने किसने दे दिया, किसको दे दिया, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा और प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा इसलिए उसको आप डेबिट में शो कर रहे हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। नरेशन आपने लिख दी बिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, ओके। इस तरीके से ये सारी जर्नल एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद
एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? ताकि बिजनेस को पता रहे कि कौन कौन सी चीज़ हमने पार्टनर्स को पे की है, पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल हमें दी है, पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है या नहीं किया है, कितना ड्राइंग किया है, या हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रिसीव हुआ है। ये सारी चीज़ों के कैलकुलेशन के लिए पार्टनर्स के नाम से एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। ओके, तो देखते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इट इज़ एन अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स द पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस। ओके, तो जो भी पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर्स बिजनेस के लिए क्या लेकर आते हैं? कैपिटल लेकर आते हैं। तो कौन पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लेकर आया है उसका कैलकुलेशन बिजनेस को रखना पड़ता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल शो होती है। उसके बाद अब पार्टनर्स की कैपिटल तो बिजनेस ने रख ली, अब बिजनेस क्या करेगा? पार्टनर्स को उसके भी आप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा। तो किस पार्टनर को कितनी कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना है उसके कैलकुलेशन के लिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। ओके, इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन। ओके, फॉर ईच पार्टनर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स मे बी मेंटेन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स। तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये दो मेथड से प्रिपेयर होता है। फर्स्ट फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये दोनों मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है कि कैपिटल अकाउंट जब आपको मेंटेन करना है तो उसकी फिक्स कैपिटल मेथड क्या होती है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होती है। ओके, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, वन बाय वन। फर्स्ट वी विल टेक फिक्स कैपिटल मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, क्या होती है? अंडर दिस मेथड द ओरिजिनल कैपिटल्स इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स रिमेन कंस्टेंट unless additional capital is introduced by an agreement. Okay, all interest related to drawing, interest on capitals, interest on drawing, salary, commission, okay, paid to partner or share of profit and loss are made in separate account which is called as current account. Okay, thus the following two accounts are maintained when capital are fixed. Okay, तो capital की जो fixed method होती है उसका नाम fixed method क्यों है के पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं ताकि पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर के ड्राइंग सबका कैलकुलेशन क्लियर किया जा सके। पार्टनर की जो सारी चीज़ें हम पार्टनर को पे कर रहे हैं या पार्टनर से जो चीज़ हम रिसीव कर रहे हैं उसका एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसे कहा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके जो दो मेथड है उसमें पहली वाली है आपकी फिक्स कैपिटल मेथड। इसको फिक्स कैपिटल मेथड क्यों कहा जाता है? तो फिक्स कैपिटल मेथड में आपके एक तरीके से दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं उसमें। ओके, उसमें जो पहला अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है? आपका कैपिटल अकाउंट। और उस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल जो पार्टनर लेकर आए हैं बिजनेस में सिर्फ उसी कैपिटल को रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर बाय चांस कभी आगे जाके आपने या आपके जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स अगर कुछ और कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, तो वो कैपिटल उस मेन कैपिटल में ऐड हो जाती है। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का कैलकुलेशन होने की वजह से कैपिटल का बैलेंस उसमें हमेशा फिक्स रहता है। अगर एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस की है तो उसका बैलेंस कभी चेंज होगा, अदरवाइज उसका जो बैलेंस है वो मेनली फिक्स रहता है। इसलिए इसे फिक्स कैपिटल मेथड कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है वो सिर्फ कैपिटल को शो करता है और उसमें कैपिटल का जो बैलेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, फिक्स ही रहता है जब तक आप उसमें कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करो। ठीक है, ओके, तो कैपिटल अकाउंट, दिस अकाउंट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो ये जो कैपिटल अकाउंट होता है ये आपका क्रेडिट नेचर शो करता है। ओके, तो क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेंस फिक्स, इट डजंट चेंज एवरी ईयर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल मेथड एंड ओनली द फॉलोइंग टू ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में जो पहला अकाउंट बनता है, दो अकाउंट बनते हैं, पहला बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। तो जो कैपिटल अकाउंट है उसमें सिर्फ कैपिटल को ही रिकॉर्ड किया जाता है और एडिशनल कैपिटल अगर आपने इंट्रोड्यूस किए तो वही रिकॉर्ड किया जाएगा और इसमें कैपिटल का बैलेंस आपका फिक्स रहेगा। फॉर्मेट इसका ये हो जाएगा, कैपिटल आपकी क्रेडिट नेचर की होती है तो बाय बैलेंस बिडिंग करके आपने सबसे पहले एक्स, जो यहाँ पर दो पार्टनर लिए हमने एक्स और वाई, तो एक्स जो कैपिटल लेकर आया है वो आप यहाँ मेंशन कर दोगे, वाई जो कैपिटल लेकर आया है वो आप यहाँ मेंशन कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे आप कि अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो उसको बाय कैश करके एक्स अगर एडिशनल लाया है तो वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, वाई अगर एडिशनल लाया है तो वो यहाँ पर आप रिकॉर्ड करोगे। फिर अगर किसी रीज़न से इस कैपिटल में से कुछ पार्ट अगर
विड्रॉ किया जाता है, तो उसको आप यहाँ पर डेबिट साइड में शो करोगे कैश और बैंक के नाम से, एक्स और वाई के सामने आप उसका अमाउंट मेंशन कर दोगे कि किस पार्टनर ने कितना कैपिटल को विड्रॉ किया, और लास्ट में आप क्या कर दोगे, इसका बैलेंस निकाल दोगे। तो ये जो बैलेंस है इस अकाउंट में, बैलेंस हमेशा आपका यहीं पर आएगा, क्रेडिट नेचर शो करेगा, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा आपका फिक्स कैपिटल मेथड में आपका ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस जो है, ये बैलेंस सी डी, यहाँ पर आप बोलोगे कि क्रेडिट बैलेंस कैसे हो गया, तो ये सी डी यहाँ पर शो कर रखा है, लेकिन जब आप इसको नेक्स्ट ईयर में लेके जाओगे तो ये सी डी क्या हो जाएगा आपके लिए, बी डी, और ये बी डी शो करोगे आप किस साइड, क्रेडिट साइड में शो करोगे, इसलिए इसे कहा जाता है क्रेडिट बैलेंस। मतलब डेबिट में आया है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस, और अगर क्रेडिट में बैलेंस आया है तो आपका कहलाएगा डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया, इसमें सिर्फ यही चीज़ें ली जाती है। इसके बाद जो आप एक करंट अकाउंट बनाओगे, उस करंट अकाउंट में क्या चीज़ें शो करोगे आप, फॉर्मेट देख लेते हम। सबसे पहले आपने बैलेंस बी डी, जो क्रेडिट आपका, आपका जो प्रॉफिट आया है, जो कैपिटल अकाउंट आपने वहाँ पर बनाया था, उस कैपिटल का जो क्रेडिट बैलेंस है वो आप यहाँ पर शो कर दोगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, पार्टनर्स रिसीव करते हैं, पार्टनर को आपने दिया तो पार्टनर रिसीव करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में, पार्टनर को सैलरी जब आप पे करोगे तो वो आपकी आ जाएगी क्रेडिट साइड में। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट है पार्टनर का, जो भी पार्ट है प्रॉफिट का, वो आप क्रेडिट साइड में शो कर दोगे। ठीक है, उसके बाद डेबिट में अगर आप आ जाओ तो ड्रॉइंग, ड्रॉइंग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने वहाँ पर क्रेडिट में शो किया था, तो यहाँ पर इस अकाउंट में जब आप उस ड्रॉइंग को यहाँ पर ट्रांसफर करोगे तो अपोजिट नेचर शो होगा, इसलिए ये क्रॉस में जा रहे हैं। ठीक है, आप इतना ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ पर आपने कहाँ लिखा था, डेबिट में लिखा था, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है, लेकिन अब उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो तो वो डेबिट से क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो सारी चीज़ें जो उधर डेबिट में थी वो यहाँ पर क्रेडिट में आ गई, और वहाँ पर जो चीज़ें क्रेडिट में थी वो यहाँ पर डेबिट में आ गई। पार्टनर ने अगर कोई ड्रॉइंग किया है तो वो डेबिट में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर है तो वो आपका डेबिट में आ जाएगा, अगर लॉस में अगर कुछ पार्ट था तो लॉस आपका यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, दोनों का बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस अगर आपका क्रेडिट साइड में आएगा तो आप लिख दोगे बाय बैलेंस सी डी, और अगर बैलेंस आपका डेबिट साइड में आएगा तो आप लिख दोगे टू बैलेंस बी डी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फिक्स कैपिटल मेथड में आपने ये दो अकाउंट कंप्लीट कर लिए। फिर इस सेंस में आपके जो नोट है, वो यहाँ पर तीन नोट है, हम देखते हैं कि सबसे पहले तो जो डेबिट बैलेंस है, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो आप असेट साइड में शो करोगे। असेट साइड में क्यों शो करोगे, असेट आपके कौन से नेचर की होती है, डेबिट नेचर की, तो डेबिट बैलेंस जब भी होगा वो डेबिट साइड में, मतलब असेट साइड में शो होगा। ठीक है, सेकेंड, अगर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का अगर बैलेंस आपका क्रेडिट शो हो रहा है, अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट शो हो रहा है, तो क्रेडिट आप किस साइड शो करोगे, लायबिलिटी साइड, क्योंकि लायबिलिटी हमारी क्रेडिट नेचर की होती है। ठीक है, और उसके बाद बैलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट आर ऑलवेज शोन इन लायबिलिटी साइड। अब ये तो दो नोट थे, ये करंट अकाउंट के सेंस में थे, लेकिन कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को आप कहाँ शो करोगे, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, और क्रेडिट होने की वजह से आप इसे लायबिलिटी साइड में ही शो करोगे। ओके, नेक्स्ट आपकी हो जाती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है कि जिस तरीके से फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल को फिक्स रखते हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनता है और बाकी का जो कैलकुलेशन होता है वो हम करंट अकाउंट में करते हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बस एक ही अकाउंट बनाया जाता है और उसी अकाउंट में कैपिटल होती है, कैपिटल को भी उसी अकाउंट में लिखा जाता है, उसी अकाउंट में मेंशन किया जाता है। तो ऑब्वियसली के कैपिटल के साथ साथ सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में मेंशन कर देने की वजह से, एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड कर देने की वजह से कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल आपकी इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी, कम ज़्यादा होती रहेगी। तो कैपिटल में फ्लक्चुएशन होने की वजह से इस मेथड को क्या कहा जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें कैपिटल का जो बैलेंस है वो स्टेबल नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। ओके, अब इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है, तो वहाँ पर जो आपने दो अकाउंट बनाए थे उन दोनों अकाउंट को मिलाकर यहाँ पर बस एक ही अकाउंट बनता है। तो जैसे बैलेंस बीडी करके आप क्या कर दोगे, पार्टनर्स की कैपिटल लिख दोगे, उसके बाद एडिशनल कैपिटल आई है तो वो कैपिटल आप एडिशनल लिख दोगे, उसके बाद वहाँ पर जो करंट अकाउंट था उसकी चीज़ें भी आप इसी में रिकॉर्ड कर दोगे, सारी चीज़ें एक ही में चलेगी, एक ही अकाउंट बनता है दोनों अकाउंट को मिलाकर यहाँ पर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ गया, पार्टनर सैलरी आ गई, कमीशन आ गया, प्रॉफिट में अगर पार्टनर का शेयर है तो वो यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर अगर लॉस था वहाँ पर तो वो बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, फिर कैश और बैंक विड्रॉ किया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ड्राइंग किया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो यहाँ पर आ जाएगा आपका, प्रॉफिट
लॉस में अगर आपका शेयर है तो वह आप यहाँ पर शो कर दोगे। फिर सेम जैसा आपने वहाँ पर किया था, हम अकाउंट को बैलेंस करते हैं, अकाउंट का टोटल लगाओगे, जो भी डिफरेंस है। अगर आपका क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा तो आप लिख दोगे बाय बैलेंस सीडी, और अगर आपका डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा तो आप लिख दोगे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। कि कैपिटल को शो करने के लिए पार्टनर्स को जो भी चीज़ आप पे कर रहे हो, उनसे जो चीज़ रिसीव कर रहे हो, तो पार्टनर्स की चीज़ों को शो करने के लिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो। उसकी दो मेथड होती है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, ओके, पहला बनता है कैपिटल, दूसरा बनता है करंट। और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल को ही रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए कैपिटल वहाँ पर फिक्स रहती है, इसलिए फिक्स कैपिटल मेथड कहा जाता है इसे। बाकी चीज़ें करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, वहाँ पर हम दो अकाउंट नहीं बनाते हैं, एक ही अकाउंट बनाते हैं। इस वजह से जो कैपिटल है वो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, कैपिटल में फ्लक्चुएशन होता रहता है, इस वजह से उसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो दो अकाउंट बनाए थे उन दोनों अकाउंट की जगह पे यहाँ पर एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बता रखा है कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को, तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ही फॉलो करोगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल बिजनेस ने ले ली है पार्टनर की, तो पार्टनर को अब कैपिटल के बिहाफ पे बिजनेस क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के लिए आप किस तरीके से कैलकुलेशन होगा वो देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड आपने बनाई है बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपका एग्रीमेंट हुआ है, तो उस एग्रीमेंट में अगर आपने मेंशन किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा, तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करोगे, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। क्योंकि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता है। इफ़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउ एज पर द एग्रीमेंट, इट शुड बी कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी ट्रीटेड एज एदर। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले जो कैपिटल पार्टनर्स लेकर आए हैं ओपनिंग डेट पर, वो ओपनिंग कैपिटल आप ले लोगे, उसके बाद इंटू करोगे आप किससे के किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सपोज 6% से देना है, तो जो मेन अमाउंट था आपका कैपिटल का वो इंटू 6/100 आप करोगे। और उसके बाद भी आप क्या करोगे, कैपिटल जिस डेट को लेकर आए हैं उस डेट से लेकर आपका ईयर जब एंड हो रहा है तब तक का जो ड्यूरेशन है वो मंथ आप काउंट करोगे, वो मंथ अपॉन में 12। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर पाओगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सेंस में भी यहाँ पर दो चीज़ें बोली गई हैं, यहाँ पर दो कंडीशन होती है, एक एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक अ चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट। अब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, तो ये मैं आपको समझा देती हूँ। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अगर दोगे तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपका अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट में से आप पार्टनर को जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में से पार्टनर्स को क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर लिखा हुआ आ गया कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये अप्रोप्रिएशन है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास हम दे सकते होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ही हम देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। ओके, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, कंपलसरी, मतलब बिजनेस के पास प्रॉफिट हो या ना हो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको पे करना ही है। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब भले प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, कंपलसरी है कि आपको वो चीज़ देना ही है। ओके, लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप क्या करोगे, इन केस ऑफ लॉस, अगर बिजनेस में आपको बोल दिया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आपको ब्रैकेट में शो कर दिया जाता है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इस कंडीशन में होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो वो कैसे, अगर आपको लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो क्या करोगे, लॉस हुआ है तो आपके पास अमाउंट ही नहीं है, तो आप कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे। तो लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, नहीं दिया जाएगा। सेकेंड, अगर सफिशेंट प्रॉफिट है, अगर फर्म के पास, बिजनेस के पास सफिशेंट प्रॉफिट है, अमाउंट है, इनफ अमाउंट है, तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पूरा अमाउंट है वो पूरा के पूरा अमाउंट अलाउ कर दिया जाएगा। और अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक को अलाउ करना है 1000,
टू को अलाउ करना है 1000 और सी को अलाउ करना है 1000। तो ए बी सी तीन पार्टनर है, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 करके 3000 पे करना है। लेकिन जो बिजनेस है उस बिजनेस के पास कितना अमाउंट है, सिर्फ 1500 ही है। तो ऐसी कंडीशन में वो 3000 का अमाउंट कैसे देगी पार्टनर्स को? तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब इनसफिशिएंट बैलेंस होता है बिजनेस के पास, तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा नहीं है कि अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा अलाउ कर दिया जाएगा। तो इस टाइम पे एक बीच की कंडीशन अप्लाई की जाती है, जितना होगा उतना दिया जाएगा। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो यहाँ पर इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ओके, हैंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब भी पार्टनर्स को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनके बीच में रेशियो होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप लिखोगे, ए बी सी तीनों पार्टनर के नेम आपने लिख दिए, उसके नीचे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है वो तीनों अमाउंट आपने मेंशन कर दिया, और उसको आप शॉर्ट करके उसका एक रेशियो बना लो, और जितना प्रॉफिट है 1500 का वो उस रेशियो के साथ आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो वो जो अमाउंट आएगा, वो जो रेशियो है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन जब हम सम करेंगे आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। और लास्ट में अगर आपको बोला जाता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कंडीशन में आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो मैटर नहीं करता है, आपको कहीं से भी उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउ इन फुल इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, पूरा के पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस यहाँ पर एक नोट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में अगर आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके नहीं दे रखी है, आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो ऐसा नहीं है कि आप क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दोगे, नहीं। आपको क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से ओपनिंग कैपिटल पहले आइडेंटिफाई करना है, ओपनिंग कैपिटल पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये छोटा सा आपका एक फॉर्मेट है। किस तरीके से ये फॉर्मेट काम करता है, आपने सोल ट्रेडरशिप में जब बैलेंस शीट बनाई थी तो वहाँ पर आपने बैलेंस शीट में देखा होगा, जब हम कैपिटल को शो करते हैं तो वो जो कैपिटल होती है वो ओपनिंग कैपिटल होती है, उसमें हम प्रॉफिट को ऐड कर देते थे, लॉस को माइनस कर देते थे, ड्राइंग को भी माइनस कर देते थे। ठीक है, तो वैसी चीज़ यहाँ पर भी होगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, तो जो चीज़ वहाँ पर होती थी ओपनिंग कैपिटल के साथ, हम यहाँ पर उसको अपोजिट कर देंगे। वहाँ पर हम प्रॉफिट को ऐड कर देते, यहाँ पर हम प्रॉफिट को लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या चीज़ होती है। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, हमको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो क्लोजिंग कैपिटल तो दी होगी, हम क्लोजिंग कैपिटल को ही बेस बना लेंगे। तो बेस के लिए आपने कैपिटल एट द एंड आपने शो किया है यहाँ पे। अब उसमें हम ड्राइंग को हम वहाँ पर माइनस कर देते थे, हम यहाँ पर ड्राइंग को ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम वहाँ कैपिटल में से माइनस करते थे, यहाँ पर हम उसको ऐड कर देंगे। लॉस हम वहाँ पर कैपिटल में से माइनस करते थे, यहाँ पर हम उसको ऐड कर देंगे। ओके, अब उसके साथ ही साथ लेस क्या क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस हुई है तो कैपिटल को इंक्रीज करती है वो, लेकिन यहाँ पर हम उसको क्या कर देंगे, अपोजिट इफेक्ट हमको देना है। तो यहाँ पर हम एडिशनल कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और सैलरी अगर रिसीव हुई है वो भी हमारी कैपिटल को इंक्रीज करती है, तो जो इंक्रीज करने वाली चीज़ें हैं हम उन सबको नेगेटिव इफेक्ट देंगे, हम सबको माइनस कर देंगे। तो इन सबको माइनस करने के बाद, एडलेस करने के बाद, जो लास्ट में हमारे पास कैलकुलेशन के बाद जो नेट अमाउंट आएगा, वो नेट अमाउंट ही हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। और इसी ओपनिंग कैपिटल पर आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो था जिसमें प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा। ओके, तब तक के लिए ओके, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।